लॉकडाउन का आज 12वां दिन है। लगातार दिल्ली पुलिस के साथ एनजीओ और समाजसेवी लोग मिलकर भूखे लोगों को भोजन कराते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर एनजीओ के द्वारा यहां पर दिल्ली पुलिस और एनजीओ मिलकर लोगों को खाना और नाश्ते के पैकेट बांटते हुए नजर आ रही तस्वीरें देखिए। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जो एनजीओ और दिल्ली पुलिस के लोग हैं, यहाँ पर लोगों को खाना और स्नैक्स जो है वो वितरण करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें, लगातार जो है दिल्ली पुलिस हो चाहे एनजीओ हो, अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को खाना खिला रहे हैं, राशन सामग्री बांट रहे हैं, और ये प्रयास जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये लगातार जारी है और लोगों को हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। क्योंकि दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार, हर कोई यही चाहता है कि दिल्ली में कोई व्यक्ति भूखा ना रहे और साथ ही साथ पूरे देश में भी कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। और इसी वजह से दिल्ली में भी इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली, जहां पर एनजीओ के द्वारा इस तरीके की पहल करी गई। लगातार जो है लोगों को खाना बांटा जा रहा है। खुद यहां पर जो एनजीओ है छतरपुर में, वो छतरपुर से वसंत कुंज और अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें गाड़ियों में किस तरीके से खाने के पैकेट को लाया जाता है, उसके बाद अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दिल्ली के वसंत कुंज में भी वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस एसएचओ और उनकी जो टीम थी उनके नेतृत्व में यहाँ पर एनजीओ ने मिलकर खाना बांटा और जो नाश्ते के पैकेट थे वो बांटे। तस्वीरों में देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं चाहे बच्चे हैं लाइन में लग कर आ रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंस जरूर मेंटेन करना है कोरोना वायरस को लेकर, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि कोरोना वायरस में किस तरीके से सोशल डिस्टेंस बनाना है और लोग इससे इस बीमारी को किस तरीके से मात दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर लोगों को खाने के पैकेट और स्नैक्स के पैकेट दिए जा रहे हैं। क्योंकि दो वक्त का खाना जो है दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार या एनजीओ चाहे दिल्ली पुलिस, सभी है जो दिल्ली वासियों को दे रहे हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जो रोज़मर्रा का काम करने के बाद अपने घर का राशन लेके आते थे। तो इसी क्रम में एनजीओ की तरफ से ये पहल करी गई, जहां पर आप देखिए लोगों को जो राशन और यहां खाना और जो स्नैक्स है वो बांटा जा रहा है। और लगातार दिल्ली पुलिस लोगों की मदद कर रही है, क्योंकि जो प्रयास है वो लगातार है। आपको बता दें 21 तारीख तक पूरा देश है, आपको बता दें कि 14 अप्रैल तक पूरा जो देश है वो लॉकडाउन है, और 21 दिन का लॉकडाउन में सभी इस तरीके की सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। शर्मा है और हम लोग मील्स ऑफ हैप्पीनेस के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ मैं। ये हमने शुरू किया था 2017 में, जब मुझे थर्ड स्टेज कैंसर डायग्नोज हुआ था उस टाइम पे। तब से अभी तक हम 500 लोगों को डेली खाना खिला रहे थे, बट ये लॉकडाउन की वजह से अब हम लोगों का वो इंक्रीज़ होकर 2000 लोगों का हो गया है। डेली का कुक्ड खाना 2000 लोगों को जा रहा है, और उसके अलावा राशन हम डेली का 250 से 500 फैमिलीज़ को एक हफ्ते का राशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तब से लॉकडाउन हुआ है डेली का। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, उनकी ऑन ड्यूटी गाड़ी से लेके उनके लाइन मेंटेन कराने से लेके सारी चीज़ों का, दिल्ली पुलिस का इसमें बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है हमें इस टाइम पे। और हम अपना ये मिशन जो है, हमारी उम्मीद है कि हम इसको कल से 3 से 4 हज़ार मील्स शुरू कर रहे हैं। हम इसका अभी तक 2000 लोगों को खिला रहे हैं। जो खाना है क्या दोनों टाइम दे रहे हैं आप लोग की खाली सुबह में? नहीं, हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम एक टाइम का खाना दे रहे हैं, और हम जो बनाने की जिनकी स्थिति है जो खाना बना सकते हैं उनको हम राशन प्रोवाइड करा रहे हैं एक हफ्ते का पर फैमिली को, और कुक्ड खाना एक टाइम का मिल रहे हैं 2000 लोगों को। कहाँ कहाँ आप लोग अभी साउथ दिल्ली में कैंप? तो साउथ दिल्ली में जैसे अभी हमने गोविंदपुरी, दक्षिणपुरी के स्लम्स कवर किए हैं, कालकाजी किया है, साकेत हमने पूरा कवर कर रखा है, रंगपुरी के अंदर हमारा जाता है बच्चों के लिए 1000 फ्रूट बंद जाता है डेली का। उसके अलावा कुक्ड खाना वसंत कुंज की कम से कम 7-8 लोकेशंस हैं जहाँ पे दिल्ली पुलिस की मदद से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेली का।